हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसके मैकेनिक में। आज मैं आपको बताऊंगा एस्प्रेसो गाड़ी अपने पास जिसका टाइमिंग मिलाने का तरीका। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। ये एस्प्रेसो है अपने पास, मिसिंग के लिए आई थी गाड़ी है, क्योंकि अपन ने वाल चेक करवाए, वाल नए डलवाए, वाल लीकेज जो रहे थे इसके अंदर। तो अपन इसका टाइमिंग मिलाएंगे, तो आप वीडियो पूरी देखना और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट्स करना। ले भाई सामान ला। ये पूरा अपन ने इसलिए उतारा क्योंकि अपन ने इसके अंदर रिंगे पिस्टन भी डाल दिए, कंप्रेशर वीक आ रहा था ना, तो अपन ने इसलिए पूरा इंजन उतारा इसका। तो अपन ने रिंगे और पिस्टन भी डाल दिए इसके अंदर, तो अपन टाइमिंग मिलाने का तरीका बताएंगे इसके अंदर, तो आप वीडियो को देखते रहना। ला सबसे पहले चेन ला। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल तरीका ये है हर गाड़ियों के अंदर, केसरी इंजन के अंदर जिस तरीके से मिलता है। लेकिन मैं आपको वीडियो इसलिए ले, दो मिनट पहले पाना लेकर 21-22 का वीडियो बना रहा हूँ मैं। हाँ सबसे पहले घुमा घुमा, सबसे पहले आपको केम का निशान किस जगह रखना है वो बताऊँगा मैं आपको। घुमा, हाँ इधर घुमा हल्का सा, बस रुक जा। ये आपको दिख रहा है एक इस केम के भी पीछे कट है और इस केम के पीछे भी कट है, एग्जास्ट और इंटेक दोनों जो केम है ना उन दोनों के पीछे कट है। तो अपन को कट का क्या करना है, इस फेस से मिलाना है, हेड का जो फेस है ना इस कट से, इस कट को मिलाना। देखो आपको पीछे दिख रहा होगा, ये मिला दिया अपन ने इस जगह, इस कट को तो ये कट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और ये कट जैसे ही मिलाओगे आप तो ये तीर का निशान भी ऊपर आ जाएगा, ऊपर की तरफ, इधर भी मिला देगा, इधर भी मिला ऊपर रख, ये तीर का निशान ऊपर आने दे, आने बस। अब जैसे अपन तीर का निशान मिलाया तो इधर भी देख सकते हो आप, ये कट आ गया फेस के बराबर। तो ये अपन को केम का तो अपन ने टाइमिंग मिला दिया, ठीक है। अब नीचे क्रेन का टाइम मैंने पहले ही मिला रखा था। ये जो मक्खी होती है, मक्खी के निशान की तरह भी रखना चाहिए इसको सीधा। लेकिन अपन जब चेन लगाएंगे, चेन लगाते टाइम किसका ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। चेन ला, ये चेन अपने पास। अब चेन के अंदर आप निशान देख सकते हो, आपके ऊपर भी चेन के ऊपर निशान मिलेंगे। एक निशान तो ये नीचे की तरफ मिलेगा और दो निशान पास मिलेंगे। फ़ोन पकड़ एक तो ये निशान ये रहा, ठीक है, और एक निशान ये रहा। ये जो दो पास जो निशान है ना, ये कहाँ मिलेंगे अपने, ये ऊपर की तरफ मिलेंगे, किधर, केम की तरफ। और एक जो नीचे की तरफ निशान है तो ये कहाँ मिलेगा, क्रेन की तरफ मिलेगा। तो अपन को कहाँ मिलाना है इसको, पहले अपन ब्लॉक को यूँ रखना है, ठीक है। ये रख दिया मैंने ब्लॉक को। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो निशान है ये पास ला, फोन को पास ला। ये तीर का निशान एक ही दिख रहा है और एक ही दिख रहा आपको। तो मैं क्या कहूँगा, एक जो काला निशान है ना ये इस पर मिलाया मैंने, एक तो यह लगा दिया और एक यह लगा दिया, देख सकते हो आप दिख रहा, एक तो इस पर लगा दिया मैंने चेन का और एक इस पर लगा दिया। अब ऊपर से पकड़ इसको चेन को यहाँ से, ठीक है, बार बार चेन दी। और ये जैसे मैंने यहाँ मिलाया, और नीचे भी एक तीर का निशान आता है, मैं आपको बताता हूँ, नीचे भी एक तीर का निशान आता है। नीचे रखना फ़ोन को ना, ये तीर का निशान आपको दिख रहा होगा इधर थोड़ा, और फोन दिख रहा है दिख रहा है, ये रहा ये तीर का निशान। तो ये जो एक निशान जो है ना चेन का काला वाला नीचे, जो नीचे की तरफ है, ये देखो ये मैंने तीर का निशान नीचे का मिला, दिख रहा है आपको। दिख गया ये भी इस तीर के ऊपर एक काला निशान मिल गया, ऊपर भी मिल गया, ऊपर दिखा, ऊपर ही मिल गया, नीचे मिल गया। तो क्या हो गया अपना, ये टाइमिंग मिल चुका अपना, ठीक है, ये टाइमिंग मिल चुका है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसके अंदर गाइड लगाएंगे। सबसे पहले गाइड ला और इसको चेन को पकड़ दो, तो छोड़ो मत, ये ढीली ढीली दिख रही ना, और एक जनों को बोलो कि ऊपर से पकड़ के रह गए, कई बार होता है कि यहाँ से निकल जाता है। ये मैं 10 के बोल ला, दोनों 10 के बोल लगा फटाफट, थोड़ा फोन को दूर रख, ये मैंने लगा दी गाइड, ठीक है। अभी तक मेरा ऊपर का निशान भी आप देख सकते हो सही है, क्योंकि मैंने पकड़ा रखा है, और ये गेरा है, ठीक है। अभी लेगा, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उसको पकड़े रखना चेन को, है ना, चेन को पकड़ ली, एडजस्टर लगाऊंगा मैं, ठीक है, ना दस के बोल ना, ये दो बोल, ये एग्जस्ट के दो बोल लगा देते हैं। हाँ वीडियो को देखते रहना,
क्योंकि चेन जो टाइट करनी पड़ती है ना, अपन क्या करते हैं ये लगाने के बाद भी अपन यूं को ही छोड़ देते हैं, जबकि चेन भी टाइट करनी पड़ती है। मैंने दोनों बोल्ट लगा दिए पहले, ठीक है, टाइट नहीं कर रहा हूँ। और अब क्या करूँगा, अब ये वाली गाइड लगाऊंगा मैं। चेन मैंने पकड़ा रखी है, जब 12 के बोल्ट का एक और, ये 12 का बोल्ट, ये 12 का बोल्ट, ये मैं भी पास ले लेता हूँ। अभी तक फुल टाइट किसी को नहीं किया मैंने, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा ये मेरा ऊपर से भी मिला हुआ है, नीचे से भी कट मिला हुआ है, और ये लॉक लगी हुई है, ठीक है। अब ये मैं क्या करूँगा, लॉक निकालूंगा। अब लॉक निकालने के बाद छोड़ना नहीं है हमेशा, अपन क्या करते हैं कि लॉक निकालने के बाद छोड़ देते हैं, हमेशा चेन टाइट फुल नहीं होती है। लॉक निकाल दिया आप छोड़ देते हो, हमेशा इसको दबाओ, गाइड को लेके इधर दिखा, उस तरफ दबाओ, ये लॉक की आवाज़ है आपको, ये लॉक की आवाज़ है, ये फुल टाइट होती है। ये दो तीन लॉक बोला ये फुल टाइट हो गई, मतलब चेन। कई बार अपन लॉक निकाल के छोड़ देते हैं, फुल टाइट होती नहीं है, तो टाइमिंग भी कई बार रॉन्ग हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये लगाने के बाद अपन को दो तीन बार इसको फुल 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 ताकत की तरह उधर धक्का देना है कि चेन टाइट हो जाए। चेन टाइट हो गई तो अपन ही मिला देते हैं, टाइट कर देते हैं फुल। इसको टाइट कर दिया, इसको टाइट कर दिया, इसको टाइट कर दिया, 12 का, ठीक है, 12 का बोल्ट भी अपन टाइट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, एक बार टाइमिंग दिखा देता हूँ मैं, ये मेरा ऊपर से मिला हुआ है टाइमिंग, सही है, ये भी मिला हुआ है, सही है, और नीचे से भी मेरा टाइमिंग मिला हुआ है, देख सकते हो चेन के ऊपर एकदम सही है। तो टाइमिंग एक्यूरेट मिल गया अपनी गाड़ी का। तो अगर आपके पास भी एस्प्रेसो गाड़ी आए टाइमिंग मिलाने के लिए, तो आप ये वीडियो देखना, आपको पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। इसी तरीके की और वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा। थैंक यू।